क्या, ये तो बच्चे जानते हैं, बापू में नहीं बैठ करके समझाते हैं, नहीं यही आकर कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारा बापू इस वृक्ष का कल्प वृक्ष जिसमें मनुष्य ही है, और कोई झाड़ को कल्प वृक्ष नहीं कहा जाते हैं, ये मनुष्य वैरायटी मनुष्य सृष्टि के झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाते हैं। दुनिया कुछ भी नहीं जानती है, बिल्कुल ही सोए पड़े हैं, अगो निंद में झुका जाते हैं, कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं, सोए पड़े को कौन जगाएगा, तो बाप आकर के सोए पड़े को वो गीत भी गाते हैं, जाग जाग निंद न कर तो अभी गाफिल होकर के सो नहीं आती, अरे अभी जागो तो देखो तुमको जगाया है, आत्मा को जगाया है और सब सह पड़े हैं, कह रहे हैं कुंभकर्ण में सह पड़े हैं, तुम भी कुंभकर्ण के नींद में यानी आसुरी नींद में सह पड़े थे, तुमको ज्ञान था ये कुछ नहीं था ना, तो देखो एक बाप ने आकर के तुम बच्चों को जगाया है, जागो, तुम गाफिल होकर के सोए पड़े हो, गाफिल कहते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं, जानते पड़े हो नींद में सोए पड़े हो, छुपाए जाते हैं अज्ञान की नींद, ये नींद तो सत्युग में भी करते हैं तो दिन में भी करते हैं, ऐसे नहीं समझा कि वहां सच जागते हैं, नहीं तुम सोए पड़े हो अज्ञान की नींद में, छुपाए जाते हैं भक्ति मार्ग के नींद में नहीं कहा जाते हैं, अज्ञान के नींद में, तो अज्ञान सुला देते हैं रावण को कहा जाते हैं या ज्ञान काफी, और बाप आते हैं ज्ञान से जगाते हैं, तो अभी तुम बच्चे जाग रहे हो, कितना जागे हो देखो, अभी बुद्धि में बोला ये तो है, अभी तो बाबा आया हुआ है, हमको ले चलेगा, डरते तो नहीं हो नहीं, क्योंकि शरीर के साथ तो नहीं जा रहे नहीं, शरीर तो यहाँ फेंक रहेंगे नहीं, वो समझाया ये शरीर कोई काम कर नहीं है, अभी ये शरीर को छोड़ करके क्यों शरीर काम का नहीं है, आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है, इसमें अभी मूल में का है सब, समझा नहीं, वह 9 कैरेट का है सोना, क्योंकि थोड़ा तो रहता है नहीं, थोड़ा है 9 कैरेट समझते हो, देखो नहीं तो ऐसे सच्चा सोना है 24 कैरेट, यह है 9 कैरेट, तो अभी तुमको फिर 24 कैरेट में ले जाने चाहते हैं बाबा, सच्चा सोना तुम्हारी आत्मा को सच्चा बनाते हैं, तो उसको कहा जाते हैं गोल्डन सोने का, सोने की झिरगी, ये भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी कहेंगे लोहे की चिड़िया, तो कल बेटर की चिड़िया, तो चेतन हो ना बच्चे, तो अभी सामने देखते हो नहीं, तो सामने देकर करके ही बाप को इसमें बाबा है, क्योंकि समझने की बात है, आत्मा तो समझते हो नहीं अपने अंदर में, कोई देखते तो नहीं हो ना, तो वैसे ही बाप को भी समझते हो, देख नहीं सकते हो, समझ सकते हो, और समझ करके कहते हो कि चमकता है सितारा बहुत छोटा है, बहुत मनुष्यों ने कोशिश की है डॉक्टरों ने कि हम देखें इनको, अभी देखें तो दिव्य दृष्टि बिगड़ तो देखा नहीं जाते है, तो ये तो बैठ करके वो कांच का वो बनाए करके उसमें बंद करके, बंद करेगा तो मनुष्य बीमार होगा ना, जब मरने की होगी तभी बंद करेगा, ऐसे तो नहीं कि उसको बंद करेंगे मारेंगे तो केस चल जाए, जब भी देखते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं नहीं, बहुतों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बंदर के ऊपर फलाने के ऊपर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि बिगड़ देखा नहीं जाता है, बहुत पतला है बहुत सूक्ष्म है, कोई कहते हैं आंखों से चला जाते हैं, कोई कहते हैं टिप्पण से चला जाते हैं, कोई जाते हैं मुख से, तो जब भी मुख खुला हुआ है ना तो समझते हैं कि मुख से चला गया, कभी आंखें खुली रहती है ऐसी तो आंखों से चला गया, कभी कोई कहते हैं टिप्पण से चला गया, तो जाता कहाँ है, जाते हैं फिर दूसरे तल में, अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएंगी, अभी ऊपर जाएंगी, ये अभी तुमको पक्का मालूम है कि बाबा आए करके हमको घर ले चलेंगे, और चलेंगे भी बहुतों को लेकर के, क्यों
अब एक तरफ में देखते हैं कलयुग, एक तरफ में सतयुग, ये संगम युग, यहाँ देखें वो ढेर के ढेर है, 500 करोड़ मनुष्य है, यहाँ देखें अरे 9 लाख आदमी है, ये क्या हुआ? ये विनाश, देखो कितना भारी विनाश है, तो मां भारी विनाश। मुझको सहारा देने वाले दिन कही तेरा शुक्रिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिन कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो देना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिन कहे तेरा शुक्रिया। जैसे किला दे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट।